हेलो स्टूडेंट, आरसी एजुकेशन ऑफ बांसू की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पिछली बायोलॉजी क्लास में बात कर रहे थे मूल के रूपांतरण, जिसके कुछ प्रकार हम पढ़ चुके थे, श्वसन मूल, आर्द्रता ग्रही मूल, स्वांगीकरण मूल और एक प्रकार से चूषक जड़ों की बात कर चुके थे। तो आज रूट नोड्यूल की बात करेंगे, मूल ग्रंथिका की बात करेंगे। मूल ग्रंथिका अच्छा टॉपिक है, आप ध्यान रखेंगे। आप मूल ग्रंथिका या जिसे रूट नोडल बोलते हैं, मूल ग्रंथिका क्या है? लेग्यूम कुल के पादप, लेग्यूम या लेग्यूमिनेसी बोलते हैं, जिसके अंदर मटर चना आदि आते हैं। लेग्यूम कुल के पादपों की जड़ों, पादपों की जड़ों व जीवाणु के बीच परस्पर क्रिया से क्या बनती है? मूल ग्रंथिका बनती है। इनकी क्रिया से क्या बनेगी? मूल ग्रंथिका, रूट नोड्यूल बनेगी, क्योंकि मूल ग्रंथिका का फॉर्मेशन कैसे होता है ये टॉपिक तो हम 12th क्लास में आप अध्ययन करेंगे, लेकिन अभी आपको ओनली ग्रंथिका क्या है, एक गांठ है कि लेग्यूम कुल के पादप की जड़ों के ऊपर एक ग्रंथिका बनती, गांठ पाई जाती है। याद रखें वो गांठ बनती कैसे है, उसकी यानी एक प्रकार से मैकेनिज्म आएगी और 12th क्लास में आप पढ़ोगे आप, लेकिन आप इतना ही समझें कि जैसे ये लेग्यूम कुल का पादप है ये मानो, और इस लेग्यूम कुल की पादपों की जड़ों के ऊपर ये कुछ ग्रंथिकाएं हैं, ये मूल ग्रंथिका बोलते हैं ये मानो, इन्हें ग्रंथिका बोलेंगे। और इन ग्रंथिकाओं में ये कैसे बना है कि जड़ों और जीवाणों की पारस्परिक क्रिया से क्या बनी, गांठ बनी है, जिसे मूल ग्रंथिका बोलेंगे। और इसी ग्रंथिका के अंदर, इन्हीं ग्रंथिका में जीवाणु होता है जिसको बोलते हैं राइजोबियम। याद रखें इंपॉर्टेंट है, राइजोबियम जीवाणु है। तो लेग्यूम कुल के पादपों की जड़ों के अंदर पाए जाने वाला सहजीवी जीवाणु वो कौन सा होता है? राइजोबियम। अर्थात यह राइजोबियम जीवाणु होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये आया क्वेश्चन है कि लेग्यूम सहजीवी जीवाणु का नाम लिखे तो आप क्या बताएंगे? राइजोबियम बताएंगे। और यह जीवाणु लेग्यूम कुल के पादपों की जड़ों की ग्रंथिकाओं में उपस्थित होकर नाइट्रोजन स्त्रीकरण करता है, और नाइट्रोजन स्त्रीकरण करके मृदा की उर्वरक क्षमता को क्या करता है? बढ़ाता है। एक प्रकार से बायो फर्टिलाइजर है, जैव उर्वरक है। याद रखें कि नाइट्रोजन स्त्रीकरण करेगा और नाइट्रोजन स्त्रीकरण करके मृदा की उर्वरक क्षमता को क्या करता है? बढ़ाता है। एक प्रकार से कैसा जीवाणु है? सहजीवी जीवाणु है। तो याद रखें सहजीवी जीवाणु क्या होते हैं कि जो किसी पादप की जड़ों से संबंध बनाकर नाइट्रोजन स्त्रीकरण करते हैं, उन्हें सहजीवी जीवाणु बोलते हैं। आपके सामने उदाहरण कौन है? राइजोबियम है, जो लेग्यूम कुल के पादपों की जड़ों में पाया जाता है, जैसे मटर है। याद रखें कि उनकी जड़ों, जैसे आप मटर की फसल डाल देते हैं, मटर की फसल के बाद यदि उस भूमि की बात करें तो भूमि कैसी हो जाती है? उपजाऊपन हो जाता है उसमें, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन स्त्रीकरण होता है, क्योंकि कौन सा जीवाणु होता है? राइजोबियम होता है। कि जो भी फलीदार पादप होते हैं या लेग्यूम कुल के पादप होते हैं, उनकी जड़ों के अंदर ग्रंथिकाओं में कौन सा जीवाणु होता है? राइजोबियम। तो ये था मूल ग्रंथिका की बात करें, अब इसके बाद में मूल के कार्य, फंक्शन ऑफ रूट, क्योंकि इसके बाद में चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो लास्ट बिंदु है मूल के कार्य, मूल के कार्य, फंक्शन ऑफ रूट। नंबर एक, मूल जल व खनिज लवणों का अवशोषण करती है, खनिज लवणों का अवशोषण करती है कि मृदा से जल व खनिज लवणों का अवशोषण किसके द्वारा होता है? मूल के द्वारा होता है। अर्थात खाद्य पदार्थ का, खाद्य पदार्थ के सेवन में क्या होती है? सहायक होती है। मूल प्रजननकारी होती है, प्रजननकारी मूल, प्रजननकारी। जैसे मैं आपको बताऊं कि ब्रायोफिलम है, ब्रायोफिलम, बिगोनिया है, बिगोनिया, इनके अंदर एक प्रकार से प्रजननकारी मूल पाई जाती है। जैसे ये ब्रायोफिलम की पत्ती है,
और इसके ऊपर अपस्तनिक क्या पाई जाती है, कलिकाएं पाई जाती है और जिनसे अपस्तनिक जड़ें उत्पन्न होती है और जिससे कायिक जनन के द्वारा नए पौधे का क्या होता है, निर्माण होता है। अर्थात जड़ कैसी होती है, प्रजननकारी होती है। यह अपस्तनिक जड़ें, अपस्तनिक कलिकाएं जब ये पत्तियां नीचे गिरती है तो एक नए पौधे को क्या करती है, जन्म देती है। तो याद रखे मूल कैसी होती है, प्रजननकारी होती है। इसी प्रकार से नंबर चार यदि बात करें, आरोहण में सहायक होती है, आरोहण में सहायता प्रदान करती है कि मूल होती है। आरोहण का मतलब लिपट कर चढ़ना, कि आप देखते हैं कि बहुत सारे पौधे होते हैं जिनकी जड़ें होती हैं जो एक प्रकार से पौधे को ऊपर चढ़ाने में सहायता प्रदान करती हैं, जैसे सेम होता है या अन्य प्रकार के पादप होते हैं जिनकी जड़ें एक प्रकार से क्या करती हैं, उनमें जड़ें एक प्रकार से ऊपर चढ़ने में सहायता प्रदान करती हैं। आरोहण यानी एक प्रकार से ऊपर चढ़ना। प्रकाश संश्लेषी जड़ें, प्रकाश संश्लेषी कि आपको बताया गया था ग्लॉय सिंगाड़ा, गिलोय और सिंगड़ा होता है, इनके अंदर कैसी जड़ें पाई जाती है, प्रकाश संश्लेषी जड़ें पाई जाती है। अर्थात ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या बनाती है, भोजन का निर्माण करती है। जिन्हें एक प्रकार से प्रकाश संश्लेषी स्वामीकरण मूल के नाम से भी जानते हैं, जो आप पहले अध्ययन किया था, तो जड़ें एक प्रकार से प्रकाश संश्लेषी होती है। इसी प्रकार से श्वसन मूल, श्वसन में सहायक होती है कि जड़ें श्वसन क्रिया में क्या प्रदान करती है, सहायता प्रदान करती है। मूल आर्द्रता ग्राही होती है, आर्द्रता ग्राही जो आपको बताया गया था कि जड़ें होती हैं जो एक प्रकार से आर्द्रता यानी वायु के अंदर नमी को अवशोषित करने में क्या प्रदान करती हैं, सहायता प्रदान करती हैं। अर्थात जड़ होती है जो पौधे को भूमि में क्या बनाए रखती है, स्थिर बनाए रखने में सहायता प्रदान करती है। तो ये सारे मूल के क्या है, कार्य है। आपने मूल के रूपांतरण भी पढ़े, मूल के प्रकार भी पढ़े, मूल क्या है समझ चुके होंगे कि मूलांकों से मूल का क्या होता है, विकास होता है। अर्थात यह मूलांकों से विकसित होने के बाद में पौधे की मुख्य मूल बन जाती है। जैसे मूसला मूल भी पढ़ा, अपस्तनी मूल भी पढ़ा, तो ये प्रकार से मूल के प्रकार भी पढ़ चुके हैं, कार्य भी, कार्य का भी अध्ययन कर चुके हैं और इससे संबंधित बहुत क्वेश्चन भी आपने निकाले हैं। तो अपना ये चैप्टर है ये कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट अगली क्लास में नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।